मोरा मलानी के पंचायत मुख्यालय बारासण में मंगलवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित हुई रात्रि चौपाल में क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने ग्रामीणों की बिजली पानी से जुड़ी विभिन्न परिवेदनाएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय बारासण में जिला कलेक्टर अंशदीप ने मंगलवार को रात्रि चौपाल ली। रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की बिजली पानी से जुड़ी विभिन्न परिवेदनाएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने आयोजित रात्रि चौपाल में कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन के घर तक बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, कोई इससे वंचित ना रहे। अधिकारी भी ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण कर राहत प्रदान करें। रात्रि चौपाल में जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मांझू ने नर्मदा नहर का पानी किसानों को दीपावली से पहले इस सीजन में देने की मांग रखी। ग्रामीण रमेश विश्नोई ने गुड़ामलानी में मेगा हाईवे से लेकर महाविद्यालय तक हाल ही में बनी लिंक सड़क के घटिया निर्माण कार्य एवं गारंटी पीरियड में टूटने की शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने सहायक अभियंता को तुरंत सड़क की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। चौपाल में पुखराज सोनी ने दीनदयाल योजना के तहत विद्युत कनेक्शन नहीं होने की शिकायत की। पुरखाराम सिंधासवा ने विद्युत मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग समय पर नहीं आने की शिकायत की। इसके अलावा चौपाल में बिजली पानी से जुड़ी कई परिवेदनाएं आई, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम सरकारी भूमि पे किए जा रहे अतिक्रमण बाबत तहसीलदार जी को बोलकर जांच कर लेते हैं। फिर कोई भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहा है, विधवा पेंशन प्राप्त अगर कोई कर रही है महिला विशेष। रात्रि चौपाल में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदास रत्नू, अधिशासी अभियंता बिजली पानी, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक सती चौधरी, जिला राशद अधिकारी शिक्षा पशुपालन सहित गुड़ामलानी उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई, विकास अधिकारी नरेंद्र साहू, तहसीलदार जोध सिंह, उप प्रधान राणा कुलदीप सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।